हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल इवनिरी डायग्नोस्टिक्स वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ, करेक्ट। सो आज का जो टॉपिक है गाइज, वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में आने वाले समय में क्या रखा है और आपकी करेंट सिचुएशन भी क्या है। सो उस बात को हम देखेंगे एंड डेफिनेटली आगे क्या होने वाला है वो आपको पता चलेगा, एंड आफ्टर दैट वी विल शफल द ओरेकल कार्ड्स। सो लेट्स सी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल जोडियक साइंस एंटिटीज अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आज जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो है एक पीजन। जो कबूतर होते हैं वो ऑब्वियसली सिम्बोलाइज उनको किया जाता है फॉर पीस, फॉर हारमोनी, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर अबंडेंस। सो लेट्स सी आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। यूनिवर्स विल गाइड्स, प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑफ कोर्स क्या हो सकता है और उनके करंट सिचुएशन भी क्या है। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है आपके करंट सिचुएशन में जैसा हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, आपकी मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाया गया है और धोखा जो आपने खाया है। मैं नहीं बोल रही हूँ ऑलवेज इट इज़ रिलेटेड टू लव, बट मे बी फाइनेंशियल, मे बी इन बिजनेस, मे बी इन जॉब, इट इज़ लाइक दैट कि कुछ ऐसा हुआ जो जिसके ऊपर आप और जो घटनाएं कुछ हुए उसके ऊपर आप और विश्वास नहीं कर सकते और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके ऊपर ही प्रेशर्स आ जाते हैं और आप जब उस रास्ते से जाने की कोशिश करते हो जो रास्ता एक फाइनेंशियल अबंडेंस हो, एक सक्सेस हो, आपकी करियर में स्टेबिलिटी हो, जब भी आप उस रास्ते पर जाते हैं ना तभी भी जैसे लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, जैसे ऑपोजिशन जैसे हाथ उठा के बैठे हुए हैं, राइवलरीज जैसे आके टपक पड़ते हैं कहीं ना कहीं से। ओके, सो यू फेस सम डिसगस्टिंग सिचुएशंस एंड इन द करेंट लाइफ, करेंट पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो यू आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। स्पेशली आपको लगता है इफ यूर अ फीमेल देन यू आर फेसिंग मोर प्रॉब्लम्स। मे बी आपको घर भी संभालना पड़ेगा, लोग वहाँ पर भी ताना मारेंगे और बाहर भी आपको काम करना है, फिर भी वहाँ पर भी आपका जो कष्ट होता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी आप ही के लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है। आने वाले समय में मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग आपके फेवर में होंगे। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है सम गुड ग्रुप्स आर बीइंग ओके फॉर्म्ड, ओके, एंड डेफिनेटली दे विल बी एन एवरलास्टिंग कनेक्शन विद यू। ऐसा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आपको मिलने वाला है जिनके साथ आपका एवरलास्टिंग कनेक्शन होगा। जैसे बोला जाता है ना कि दुनियादारी जो है, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपके मेंटालिटी के होंगे और आपके साथ उनका सुटेबल जो है फ्रेंडशिप भी रहेगा और ये फ्रेंडशिप कभी भी टूटेगा नहीं। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ पार्टनर एंड डेफिनेटली यू फील लाइक दैट हु इज़ दैट पर्सन, हु इज़ दैट पर्सन, योर आंसर्स विल बी गिवन। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे कोई माँ यहाँ पे बैठी हुई है एंड शी इज़ वेटिंग फॉर हर चाइल्ड। तो हो सकता है यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है, इधर तो आप माँ हैं, आप अपने बच्चे के हित के लिए ही सोच रहे हो उनका फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, आप उनको बाहर भेजना चाहते हैं फिर भी आपको इनसिक्योरिटी तो है। और अगर आप ऐसा नहीं है, ये आपकी माँ है या ये कोई फेमिनिन एंटिटी है, मे बी यू आर मेल, योर वाइफ इज़ देयर और योर मदर और योर सिस्टर हु इज़ डीपली कंसर्न अबाउट यू, और जब वो आपको बोलते हैं कि ये वो और तब आप बहुत परेशान हो जाते हो। इन द फ्यूचर शी विल बी एक्टिंग एज अ गाइड एंड मेंटर आल्सो फॉर यू। वो आपको बहुत अच्छा रास्ता दिखाएंगे। ऐसा बहुत कुछ ऐसा होता है कि हमें अपने पेरेंट्स से ही बहुत अच्छा ही गुरु की जो गाइडेंस है वो मिलता है और मुझे वो ही दिख रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कपल इज सीटिंग एंड इन फ्रंट देयर मे बी अ स्टेज या कोई शोज चल रहा है। हो सकता है कि आप किसी को मिले मूवी हॉल पे या पब्लिक एरियाज़ में। मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही थे और शायद वो अपने पर्सन के साथ थे,
और शायद कुछ क्रॉस कनेक्शन भी हो सकता है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप स्टूडेंट है सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपकी आप अभी से ही आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आने वाले समय में आप अपने फ्यूचर को बहुत ही स्ट्रांग बना पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्लान कर लिया होगा। बहुत सारे लोग आपके समय पे या आपके एज ग्रुप में प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, बट यू विल बी एन इफेक्टिव प्लानर एंड डेफिनेटली योर बेस विल बी क्वाइट स्ट्रांग। शायद आपके समय पे मतलब लोगों का जो है ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका फोकस या आपका अटेंशन सही जगह पर ही होगा। यहाँ पे बहुत सारे ईगल्स मुझे दिख रहे हैं। ईगल्स आज जब जाते हैं रीडिंग में, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक यू विल फ्लाई टू द ग्रेटेस्ट हाइट। ड्रॉ किया है मैंने पिजन और आ रहा है ईगल, मतलब कितना एसेंशन हो रहा है आपके सोल का जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक आई कैन फाइंड यू नो, जैसे शिकारी जो देखता है ईगल उसके जैसा कोई नहीं, उसका विजन भी बहुत स्ट्रांग है, उसका ग्रिप भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वो उड़ भी सकता है एकदम हाइट तक। ओके, आई कैन ऑल्सो सी दैट यू आर कैरिंग सम लोड ओके ऑफ द पास्ट। यहाँ पे एक घड़ा भी मुझे दिख रहा है। घड़ा का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें कलश है और वही है, बट घड़ा का मतलब ये भी होता है कि दैट मे बी अ प्रेगनेंसी ओके इज इन द कार्ड्स फॉर मैनी ऑफ द फीमेल पीपल ओवर हेयर। हो सकता है कि अगर आप फीमेल है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि खुशखबरी हो, मे बी आपके घर में कोई बच्चा आने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू आर गोइंग टू प्लान फॉर योर फ्यूचर किड्स, ऐसा भी हो, या आप बच्चे जो अनाथ है और फैन हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हो, उनके लिए कुछ बनाना चाहते हो, और ये आपका सपना रहा है और आप शायद बहुत कुछ आपने कर लिया, सिर्फ इन द फ्यूचर इट इज़ ओनली रिमेनिंग। उस तरह से भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो वट दैट स्ट्रांग साइंस एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ, आई कैन सी अ हॉर्स हु इज़ रनिंग वेरी फास्ट। उस तरह से मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ने वाले हो और आप रुकने वाले नहीं हैं। आप पीछे मुड़कर और नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया कि पीछे मुड़कर देखने से जो आप स्टक हो गए थे, ठीक है, अभी भी आप स्टक हो और आप और फ्यूचर में किसी के लिए अपने बलिदान तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। सो अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, लेट मी पुट असाइड दिस। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है इन द प्रेजेंट, इन द फ्यूचर टाइम, व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम, इट्स गोइंग टू कम इन द फ्यूचर फॉर श्योर। 1, 2, 3 We do have the time for romance has come. Obviously, 22 is the number for stability. और यहाँ पे भी आज यहाँ पे ककू यहाँ पे आया और वहाँ पे मैंने पिजन ड्रॉ किया था। See it as an opportunity for radiant life. So आपकी life काफ़ी ज़्यादा beautiful होंगे, glamorous होंगी, there will be light, there will be no darkness. और उसी में ही आप अपने romantic life को enjoy करते हुए दिखाई दे रहे हो। A new person can, okay. Come into your life, or maybe the past person जो आपके साथ थे, maybe it there can be you can say reconnecting, okay, with that past person, but for maximum of you a new person can enter in your life. Follow your vision. मैंने vision की बात की थी या नहीं की थी? की थी ना मैंने, तो वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि eagle का vision बहुत strong है, ठीक है, आप ही का vision जो है वो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो भी मैंने आपको बताया था कि लोग हो सकते हैं डिस्ट्रैक्ट बट आप नहीं होंगे, क्योंकि आपको अपने इनिशिएटिव्स के द्वारा आपके एफर्ट्स जो है उससे आपको सक्सेस मिलेगा ही। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत होशियार है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप होशियार रहे। आप जैसे बोला जाता है ना, यू शुड बी वेरी मच यू कैन से दैट बी अलर्ट ओके व्हाट इज़ हैपनिंग, अ फॉक्स इज सो अलर्ट। Live playfully and with a light heart.
लिसन टू द वॉइस ऑफ योर इनर चाइल्ड। यहाँ पे आपकी अंदरूनी जो बच्चा है उसको भी जिंदा रखिएगा, ठीक है। उसको ऐसा नहीं है कि उसको आप जाने दे रहे हो, एडल्ट को आप इंजॉय कर रहे हो, नो। कभी कभी बचपना हरकत भी अच्छा लगता है एंड इट गिव्स अस प्लेजर। यहाँ पे क्या है, यू आर कॉट अप इन ड्रामा। जो आपकी करेंट सिचुएशन है यहाँ पे कुछ नौटंकी चल रही है, जैसे कुछ लोग है दिखने में जेलीफिश जैसे, बाहर बहुत अच्छा दिखते हैं और जब सामने जाओगे ना तो स्टिंग मार देंगे, पॉइजन छोड़ देंगे। तो कुछ ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा सावधानी ओके आपको देख लेना पड़ेगा। एंड 31, यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग। धीरे 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 एक फेज जब एंड हो रहा है, जब नौटंकी एंड हो रहा है, आप एक्सपीरियंस करेंगे बहुत ही अच्छा फेज जो होगा फूल के जैसा, ठीक है। और जहाँ पे फूल है वहाँ पे कांटे है, इट्स देर इज नो डाउट। जहाँ पे फूल है, जहाँ पे फल है, वहाँ पे कांटे हो सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट वो जो कांटा है वो आपकी लाइफ को ख़राब करेगा, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी। लव यू अ लॉट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड